नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। सर, आपका मैचल में स्वागत है। निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमसे पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रध्वज में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का विशेष क्या योगदान है और सरकार इसे क्यों छुपाती है? देखिएगा, बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने, और उस संविधान को बनाने से पहले भी बाबा साहब ने बहुत सारे धर्म पढ़े, समझे, जाने और उसको सबको देखने के बाद बाबा साहब की मानसिकता इसी देश में, जिस देश में, भारत देश में चार चार धर्मों की स्थापना हुई है। सिख धर्म यहाँ का है, बौद्ध धर्म यहाँ का है, जैन धर्म यहाँ का है और बिलासपुर में गुरु घासीदास जी ने भी धर्म की स्थापना की। तो ऐसे देश में जब उन्होंने और सभी को पढ़ा तो तथागत गौतम बुद्धा को भी पढ़ा, उनके दिए हुए धम्म को भी पढ़ा, तो जब हम देखते हैं तो बाबा साहेब की मानसिकता में तथागत गौतम बुद्धा के सिद्धांत बिल्कुल ऐसे सटीक बैठ गए कि ता जिंदगी उनके दिलो दिमाग से वो बात निकली नहीं। और जो तथागत के सिद्धांतों में जो धम्म चक्र है, तथागत का दिया हुआ धम्म चक्र है, शांति का प्रतीक है, तो देश में शांति रहे इस तरह का धम्म चक्र जो बाबा साहेब ने राष्ट्र ध्वज में दिया वो उनका विशेष योगदान है। और चूंकि मेरा बहुजन समाज भी और बहुजन समाज के सर्व समाज के लोग भी इसके प्रति अभी अज्ञान हैं, लेकिन बहुजन समाज के मुकाबले वो लोग बहुत चालाक हैं और सरकार इसीलिए छिपाए रहती है कि कहीं धम्म चक्र के माध्यम से गौतम बुद्धा के बौद्ध धम्म की चर्चा न शुरू हो जाए, उनके अनुयायी न बनने शुरू हो जाएं, धम्म का प्रचार प्रसार शुरू न हो जाए। इसलिए भारत सरकार और कोई भी सरकार भारत की इस चीज़ को छिपाए रखना चाहती है, जबकि ये देश के हित में है, शांति का प्रतीक है, तो शांति के प्रतीक को तो सदैव प्रचारित प्रसारित भी करना चाहिए। तो वो करें ना करें, वो उस चीज़ को छिपाए रखें, हम भरपूर मात्रा में हम इसका प्रचार प्रसार करते हैं कि पूरे भारत देश को शांत प्रिय बनाने के लिए बाबा साहेब ने संविधान में जो राष्ट्रीय ध्वज की चर्चा की है, राष्ट्रीय ध्वज का जो संरचना की, उसमें तथागत का धम्म चक्र का जिक्र किया और वही हमारा आज राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।